ये जैसे सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए, थैंक यू। इसकी अगर को उसको मिक्स करेंगे फिर बनाएंगे हैं। और भुजे कल कोर दिया है वो। अरे हरी सब्जी उबाल ली। हाँ, निचोड़ के शिलपट्टे में पीस ली। हाँ, मतलब मिक्सी में नहीं करते ना सब, शिलपट्टे में इसमें ही बनाते ना सब। मूंग की दाल अच्छी ठंडी, मांस की दाल ठंडी होती है। अच्छा, मांस की दाल ठंडी होती है, मूंग की दाल गर्म? मूंग की दाल अच्छी होती है। अच्छा, मूंग की दाल वैसे। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुलदीप यूकेनिस ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं आजकल अपने गांव गया हूं, अपने घर गया हूं, और आजकल मैं अपने गांव की घर की विलेज लाइफस्टाइल दिखा रहा हूं आपको। ये उत्तराखंड का नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में पड़ता है हमारा गाँव ढेला गाँव, जो कि एक बहुत प्यारा और बेहद खूबसूरत सी प्रकृति की गोद में बसा हुआ गाँव है। और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस भी है जहाँ पर दो लोग उसे घूमने के लिए आते हैं। और हम लोग किस तरीके से खाते पीते हैं, किस तरीके से रहते हैं गाँव में, मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरी मम्मी सिलपट्टे में दाल पीस रही है, मांस की दाल, और जिससे हम बड़ी बनाएंगे। कौन सी बड़ी? जो पेठा होता है, जिसकी पेठे की मिठाई बनती है, उसकी हमारे वहाँ बड़ियाँ भी बनाते हैं। और उसकी फिर हम बड़ियों को टीन में सुखाते हैं। मम्मी बताएगी अभी आपको, वीडियो में पूछूंगा मम्मी से क्या करती है करके और कैसे बनाते हैं, तो मम्मी बताएगी। और फिर मैं आपको बाकी का और चीज़ें दिखाऊँगा, कैसे बड़ी बनाते हैं वो दिखाऊँगा। दोस्तों, ये हमारी विलेज लाइफ स्टाइल है उत्तराखंड की, और उत्तराखंड के किस तरीके से खाने के लिए, सब दाल के लिए, सब्जी के लिए हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से करते हैं, मैं आपको सब दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा पूरे अंत तक, बिना स्किप करे हुए देखिएगा। तो ये देखो, मेरी मम्मी दाल पीस रही है और भुज्जे की बड़ी बनाने के लिए, मतलब हमारे विलेज में भुज्जा बोलते हैं पेठे को आम भाषा में, जिसकी मिठाई भी बनती है। और हमारे वहाँ उसकी बड़ी बनाते हैं, मतलब जैसे कि न्यूट्रेला की बड़ी बनती है, ऐसे ही हमारे वहाँ पेठे की बड़ी बनाते हैं। और मेरी मम्मी लग रही है, मम्मी ये दाल पीस के क्या करोगे उसको? मिक्स करेंगे फिर बनाएंगे हैं। और भुजे कल कोर दिया है, वो कोर के क्या क्या कर तो बता दें जरा। उसको कोर के पानी में धोना पड़ता है। फिर उसको निचोड़ लिया। निचोड़ के फिर इसमें दाल पीस के दाल में मिक्स कर लिया। अच्छा, फिर उसके हाथ से छोटे छोटे बट के बड़ी बना लिए। बड़ी बना के फिर टीन में रख के, कपड़े में रख के सुखाने डाल दे छत में, धूप में। और ये देखो, हमारे वहाँ चूल्हे में पानी गर्म होता है, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक चीज़ बहुत कम यूज़ करते हैं, गैस हमारे वहाँ लकड़ियाँ चलती हैं, क्योंकि हमारा गांव है जंगल में और जिम करो नेशनल पार्क का एक गांव है, जैसे बताते रहता हूँ बार बार, मैं वीडियो डालते रहता हूँ। और मेरी मम्मी अभी पीस रही है दाल, मांस की दाल बोलते हैं। और उसके बाद फिर मैं वो करूँगा, जब ये बनाएंगे बड़ी तब मैं आपको फिर और दिखाऊँगा। चलो पहले खाना खा लेते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको अपना फूड ब्लॉग, हमारा किचन है। और ये मेरी मम्मी है। मम्मी क्या बना रखा है? काफा काई का हरी सब्जी का, राई का। अच्छा, राई की हरी सब्जी का। और वो चूल्हे में बनाया गैस में बनाया? चूल्हे में। अच्छा, पापा भी तो खा रहे हैं खुशक सब्जी का, काई खा रहे हैं पापा? मेथी का और मेली और मेथी और आलू की सब्जी। अच्छा, तो आज हम खाएंगे काफा और हरी सब्जी का, जो चूल्हे में बनाया है, बिल्कुल घोंट घोंट गए। अच्छा, फिर अरे हरी सब्जी उबाल ली। हाँ, निचोड़ के शिलपट्टे में पीस ली। हाँ, मतलब मिक्सी में नहीं करते ना सब, शिलपट्टे में इसमें ही बनाते ना सब। हैं, मिक्सी में नहीं बनाते ना तुम कुछ? ना, मिक्सी में नहीं पीसते। फिर पापा कहते कि मिक्सी में पीस के स्वाद खराब हो जाता है। और ये देखो, ये चावल और काफा, उत्तराखंड फूड है ये हमारा। इधर को देखो मम्मी, इधर को देख, हाई भी कर दे, हेलो कर दे। हेलो। पापा तुम भी कर दो, और क्या है, मैं सब नहीं। खाना खा लेते हैं, फिर बाकी वीडियो में आपको फिर दिखाता हूँ उसके बाद। ना। अंदर जाने के लिए कर रही है। तो देखो, इस तरीके से भुजा कोर के, पेठे को कोर के रखा हुआ है सुखाने के लिए। अब इसकी बड़ी बनाएंगे हम लोग। दाल पीस दी मम्मी ने, अब मैं दिखाता हूँ तुमको आगे को। अरे मम्मी ने उठा दी दाल,
और ये उसको उठा दिए। अब इसकी बड़ी बनाएगी, मैं दिखाता हूँ तुमको कैसे बनाते हैं हम लोग बड़ी। दाल में मिक्स कर दिया ये एक साथ पूरा। अच्छा ये देखो, जैसे कि आप देख रहे हो दाल में मिक्स कर दिया है मम्मी ने, ये कर रहा है मिक्स, मतलब मिक्स रख दिया है दाल में। फिर ये है दाल, ये देखो अभी इसमें मिक्स करेगी पूरा, फिर इसकी बड़ी बनाएगी। मैं दिखाता हूँ तुमको बड़ी। तो देखो मम्मी मिक्स कर रही है पेठे को और दाल को बड़ी बनाने के लिए, और उसके बाद फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा बड़ी बनते हुए। यार देखो मम्मी बड़ी बनाने लग गए, लेट हो गए यार। कर दिया सब मिक्स, मिक्स बना दी। तो मम्मी कहते हैं ये रात को उसमें ख़राब नहीं होगी हैं? जरा जोर से बोली तेरे को। ना ना नहीं हुई ख़राब। हैं पे कुछ नहीं होता इनको। हैं 3 दिन में सूख जाते हैं। 3 दिन में? 3 दिन तक छत में रहेगी? 3 दिन तक ऐसी रहेगी टीन में, फिर इनको पलटा देंगे। हाँ सूख जाते हैं, 5 दिन में सूख जाते हैं। 5 दिन के बाद खाने लायक हो जाएंगे। तो ये टीन में लगा के हम इसमें लगाएंगे, चारपाई में रख देंगे, और 5 दिन के बाद ये सूख जाएगी। 3 से 5 दिन में फिर ये खाने लायक हो जाएगी। और ये भट है, अभी ये भट को हम कूटेंगे और फिर उसके बाद साफ़ करेंगे। फिर पहाड़ी दाल है ये भट, शायद सुना होगा सब लोगों ने। तो हम इसको कूट के फिर अभी सूख जाएगी, अभी इसमें ओस पड़ी है, फिर सूख जाएगी। उसके बाद आप कूट के और फिर जाके खाने लायक बन जाएगी साफ़ कर करके। और ये मम्मी बड़ी बना रही है मेरी, सोयाबीन की बड़ी, ना सॉरी सोयाबीन की बड़ी कह रहा हूँ, भुजे की बड़ी। और उसके बाद क्योंकि सोयाबीन की बड़ी आता है हमेशा मुँह से, तो कहते हैं ये भुजे की बड़ी बना रही है पेठे की। उसके बाद फिर इसको सुखाने डाल देंगे हम चारवे में, जो दिखाता भी। और उसके बाद फिर ये 5 दिन में तैयार हो जाएगी, उसके बाद हम फिर खाएंगे पियेंगे, हो जाती है खाने लायक। तो चलो मैं आपको छत का सीन दिखाता हूँ अपने गाँव के चारों तरफ का। ये देखो इस तरीके से रखी हुई है, सूख गई है, ये बढ़िया बनाई हैं। और ये मेरे चाची ने भी बनाई है, चाची ने भी ये देखो इस तरीके से, इन्हें भी 2 दिन हो गए छत पर रखी हुई है, सूख रही है बड़ी। उसके बाद ये भी खाने लायक हो जाएगी। फिर ऐसा होता कभी कभी हम दाल चेंज करते हैं। देखो मम्मी बना रही है मेरी बड़ी बैठ के आराम से। उसके बाद ऐसा होता दाल वाल चेंज नहीं करने के लिए रहता कभी, जैसे कि हमने कौन कौन सी हैं दोबारा से बोल, उड़द की दाल की भी बनती है। हैं और किस किस की दाल की बनती है? और हमने ये मूंग की दाल की बनाई है। अरे यार मैं तो सोचा था मांस की दाल की बना रखी, मैं तो मांस की दाल बोलने में लगा जब से। मूंग की दाल की? अच्छा सॉरी मूंग की दाल की बनाई है, मतलब मूंग मांस और उड़द 3 चीज़ों की बनती है अगर मिक्स। अच्छा मांस उड़द देखिए होता है, तो उसको मिक्स करके बना देंगे तो ख़राब हो जाएगा मूंग की और इसकी मिक्स करके बना देंगे तो? मांस की? हाँ मूंग की दाल ठंडी होती है, मूंग की दाल गर्म। अच्छा मूंग की दाल, वैसे मूंग की दाल ताकतवर भी होती है। वैसे ये जो सब पेठे की हम बड़ी बना रहे हैं, पेठा जो होता है घर में होता है ये हम लोगों के, और इसकी पेठा भी बहुत जानदार होता है ना, ताकतवर, क्योंकि प्राकृतिक है। हम लोग मतलब कि जैसे कि ये भट की दाल है, हम दाल लोग भी बहुत कम बनाते हैं। तो ये देखो हमारा गांव है। वीडियो एंड करते करते मैंने कहा चलो आपको अपना गांव दिखा देता हूँ, अपने घर की छत से चारों तरफ को दिखा देता हूँ इस तरीके से। और इस तरीके से हम लोगों के गांव में घर होते हैं, वो देखो फट गया पॉली हाउस है वो, और ये हमारे पड़ोस के घर हैं। और मैं देखो इस तरीके से हमारे गाँव के चारों तरफ पहाड़ हैं और नदियाँ बहती है एक, और इस तरीके से हमारा गाँव होता है और हम लोग इस तरीके से रहते हैं। ये देखो हमने ये छत में भी डाला है जो हमारे वहाँ पहाड़ी सब्जियाँ होती हैं। और ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या चीज़ है, थोड़ा भट पहाड़ी दाल है, ये पहाड़ी फूड बोलते हैं जिसको, इसकी दाल बनती है, भट है देखिए काले रंग का है। और इसी तरीके से हमारा खेतों में ऑर्गेनिक खेती की जाती है। और इस तरीके से ये देखिए हमारा घर का आगे का सीन है। तो चलो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे सबसे पहले आपके पास मेरा वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू।